Hi, I'm Dr. Aditi Govitrikar, a medical doctor, an actor, a model, an influencer, and a qualified psychologist. Along with these titles, I'm also a proud mom. जैसा कि हम जानते हैं कि महिला के शरीर के लिए प्रेगनेंसी एक यूनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है. द प्रेग्नेंट बॉडी अंडरगोज अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें शामिल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि हेयर एंड स्किन में भी बदलाव देखते हैं. ये चेंजेस होने वाले बच्चे की डेवलपमेंट में सहायता करते हैं और इसे महिला के शरीर में हॉर्मोन्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी स्वस्थ हो सके और बेबी बिना किसी समस्या के जन्म ले सके. इसीलिए इन चेंजेस को समझना इज वेरी क्रूशियल. फिजिकल चेंजेस के साथ मेंटल हेल्थ में भी बदलाव आते हैं. शरीर में चेंजेस आने के कारण कई महिलाओं को डर लगता है और वो एंग्शियस भी फील करती है. आप मूड स्विंग्स, फीलिंग ओवरवेल्म्ड इत्यादि भी एक्सपीरियंस कर सकती है. पर चिंता न करें, ये प्रेगनेंसी का हिस्सा है और फोकस करिए इस जर्नी को एंजॉय करने का. पर्सनली मैंने मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा शुरू किया था, विच हेल्प मी टू स्टे काम. इन कोलैबोरेशन विद मॉरिसन्स बेबी ड्रीम्स, हम प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे. इसमें कंसेप्शन के अर्ली स्टेजेस से लेकर बेबी के जन्म के अंतिम सप्ताहों तक होने वाले चेंजेस को डिटेल में समझेंगे. द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग द थ्री ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. आइए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाले चेंजेस पर नज़र डालेंगे. फॉर न्यू मदर्स दिस कैन बी अ चैलेंजिंग फेज बिकॉज योर बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस दैट लीड्स टू स्ट्रेस एंड वरी सच एज मॉर्निंग सिकनेस. इस ट्राइमेस्टर में अनईजी फील करना और वॉमिटिंग होना बहुत आम बात है. कुछ महिलाओं को हॉर्मोनल चेंजेस के कारण स्किन के कलर में बदलाव देखने को मिल सकता है. चेंजेस इन द ब्रेस्ट्स, इसमें महिलाओं को ब्रेस्ट में कोमलता यानी टेंडरनेस और एनलार्जमेंट होने का एहसास होता है एज द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, और साथ में निपल्स डार्क हो जाते हैं और उभर भी सकते हैं. फटीग, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अधिक हो जाता है जिसे बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है एंड यू मे लुक टायर्ड. फूड डिसलाइक एंड क्रेविंग्स, इस दौरान विमेन ऑफन डिवेलप स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर सर्टन फूड्स. ये उनके डाइटरी चॉइसेस और ईटिंग हैबिट्स को बदल सकता है. वेट चेंजेस, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन मे बी मिनिमल, बल्कि कुछ महिलाओं को एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म के कारण वेट घट और बढ़ सकता है. हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी लीडिंग टू ब्रेस्ट टेंडरनेस. साथ ही थकान और मूड स्विंग्स भी होते हैं. वजाइनल चेंजेस, वजाइनल डिस्चार्ज में इंक्रीज और ये थिक हो सकता है. चेंजेस इन द स्किन, सम वेमेन मे नोटिस चेंजेस इन द स्किन जिसमें मुहासे और स्किन ऑयलीनेस काफ़ी आम है. स्ट्रेच मार्क्स आम तौर पर प्रेगनेंसी के काफ़ी दिनों बाद ही नज़र आते हैं. आइए अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाले चेंजेस पर नज़र डालेंगे. एज अ लॉट ऑफ नोटिसेबल फिजिकल चेंजेस विल स्टार्ट हैपनिंग दैट कैन लीड टू मेंटल स्ट्रेस, हेंस डोंट वरी. विजिबल बेबी बम, जैसे जैसे यूटरस के अंदर फीटस बढ़ता है वैसे ही पेट का साइज भी बड़ा होते रहता है. दिस इज व्हेन द क्लासिक बेबी बम्प बिकम्स प्रोमिनेंट एंड विजिबल. चेंजेस इन द स्किन, प्रेगनेंसी के समय हेल्दियर लुकिंग स्किन के साथ एक ग्लो इज विजिबल. लीनिया नाइग्रा, पेट पर एक गहरी रेखा इज ऑल्सो विजिबल. अक्सर एब्डोमिन, ब्रेस्ट्स, थाइज एंड बट पर स्ट्रेच मार्क्स बनने लगते हैं. चेंजेस इन द ब्रेस्ट कंटिन्यू, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना जारी रह सकता है और आपके एरोलास यानी निप्पल्स के आसपास का गहरापन बढ़ सकता है. वेट गेन, प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा वेट इस समय ही बढ़ता है एंड दिस चेंज इज विजिबल
as the belly continues to expand. Uterine growth. The uterus continues to expand. Baby bump aur bada ho jata hai aur kaafi aasani se nazar aata hai. Fetal movement. The mother starts to feel the fetal movements. Ise aam bhasha mein aksar bacche ka laath marna kaha jata hai. Changes in breathing. जैसे जैसे यूटरस पेट में ऊपर उठता है, ये आपके डायफ्राम पर कुछ दबाव डालता है, इसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल चेंजेस. जब यूटरस पेट को दबाता है तो इसके वजह से सम वेमेन मे एक्सपीरियंस हार्ट बर्न एंड इनडाइजेशन. हेयर एंड नेल्स. हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके बाल घने और शाइन करने लगते हैं. नेल्स भी तेजी से बढ़ते हैं और मजबूत हो जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी वेयर यू स्टार्ट वरिंग अबाउट डिलीवरी, इजंट इट? बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे काम एज योर बॉडी इज स्टिल अंडरगोइंग चेंजेस सच एज बेली एक्सपेंशन. द एब्डोमेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड कैन बिकम क्वाइट लार्ज. जैसे जैसे बेबी जन्म लेने के लिए तैयार होता है, ये पेल्विस के नीचे तक भी पहुंच सकता है. बैक एक्स एंड डिस्कम्फर्ट. पीठ पर ज़्यादा वेट और स्ट्रेन के कारण यू मे फील अनकम्फर्टेबल एंड चेंजेस इन योर पॉस्चर. स्वेलिंग. फ्लूइड रिटेंशन के कारण पैरों और हाथों में इडीमा यानी कि सूजन हो सकती है. ये आपके शरीर पर साफ दिखाई दे सकती है. चेंजेस इन द स्किन क्वालिटी. कुछ महिलाओं की स्किन में चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डार्कनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मोल्स एंड स्किन टैग्स. विजिबल वेन्स. ब्लड की मात्रा बढ़ने और दबाव के कारण यू विल सी विजिबल वेन्स एस्पेशली ऑन द लेग्स. यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस. ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बिकम मोर फ्रीक्वेंट इन प्रेपरेशन ऑफ लेबर. चेंजेस इन द पेल्विस. The baby's head may engage in the pelvis. इससे bladder और pelvis पर दबाव बढ़ सकता है. Shortness in breathing. बढ़ता हुआ uterus diaphragm पर दबाव डाल सकता है, जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है. Weight gain. बेबी के विकास के साथ ही वेट का बढ़ना भी जारी रहता है. Stretch marks. Stretch marks विशेष रूप से पेट, ब्रेस्ट, थाइस एंड बटक्स पर फैल सकते हैं और आसानी से नजर आ सकते हैं. चेंजेस इन द हेयर क्वालिटी. सम वेमेन विल एक्सपीरियंस चेंजेस इन हेयर टेक्सचर एंड थिकनेस. इसका होने का कारण हार्मोनल उतार चढ़ाव है. सम वेमेन मे ऑल्सो नोटिस चेंजेस इन द हेयर ग्रोथ पैटर्न्स. दीज फिजिकल चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसेस. हालांकि कुछ चेंजेस जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स और हेयर चेंजेस काफ़ी आम बात है. दे कैन वेरी फ्रॉम वुमन टू वुमन. इन चेंजेस को मॉनिटर करना और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए समय समय पर देखभाल करना ज़रूरी है. यदि आपको कोई समस्या या चिंताजनक लक्षण दिखाई देते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली और उनसे बात करके उनकी राय ज़रूर लें. याद रहे कि हर प्रेगनेंसी अनमोल और अलग होती है, और हालांकि ये सभी शारीरिक परिवर्तन एक जैसे होते हैं, एवरी इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि एक प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में होने वाले चेंजेस आर अ मिरेकल ऑफ लाइफ दैट लीड टू द बर्थ ऑफ अ न्यू ह्यूमन बीइंग. सो रिमेंबर टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट योर बॉडी इज अंडरगोइंग. मेंटेन काम एंड स्पीक पॉजिटिव एफर्मेशंस टू योरसेल्फ throughout this beautiful journey.